नमस्कार, विमेन ऑफ इंडिया की पहली श्रृंखला में आपने बौद्ध काल देखा। अब आने वाली श्रृंखलाओं में आप आधुनिक काल, वैदिक काल, मुगल काल देखेंगे। अब मैं आपको वैदिक काल की ओर ले चलती हूँ। वैदिक काल एक और ज्ञान, कर्म, उपासना का काल है और दूसरी तरफ चमत्कारों का भी। ये श्रृंखला उर्वशी एक प्रसिद्ध पौराणिक प्रेम कथा पर आधारित है। उर्वशी एक कामना है, सभी उसकी कामना करते हैं, देव संस्कृति, दानव संस्कृति और मानव संस्कृति भी। उर्वशी मानवी से अप्सरा बनती है, देव कन्या बनती है, उसे सारी देविक शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु उर्वशी पुरुरवा की कामना करती है, एक मानव की। मानव जो संसारिक ऐश्वर्यों की कामना करता है, वो दैवत्य चाहता है, सुख चाहता है और इसके लिए संघर्ष करता है। फिर उर्वशी ने एक मानव में ऐसा क्या विशेष देखा? तो चले आइए वैदिक काल की ओर, चमत्कारों के काल में। हम देवता हैं, हम अमर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी संस्कृति सृष्टि में सबसे उत्तम है, जिसका प्रमाण है देवासु संग्राम में हमारी विजय। मैं इस विजय पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हो, जय हो, जय हो। विजय के सम्मान को दुगना करेंगी गंधर्व कन्याएं, रंभा, तिलोत्मा, पुष्पगंधा, कंचनमाला, वसंत, सुकेशी। नृत्य आरंभ करें। आश्चर्य है चित्रत, पता लगाओ कि कौन हमारे इस विजय समारोह का आनंद भंग कर रहा है। शीघ्र पता लगाओ।
नारायण नारायण, आज पूरी इंद्र सभा अस्त व्यस्त क्यों दिखाई दे रही है? जी देव ऋषि, हम सब देवासुर संग्राम की विजय का आनंद ले रहे थे कि अचानक मेरा सिंहासन डोलने लगा। फिर किसी मनुष्य से आपका ये सुख देखा नहीं जा रहा, न जाने इन ऋषि मुनियों को स्वर्ग के इसी सिंहासन से क्या बैर है। अरे भाई, कोई विश्वलोक के पीछे क्यों नहीं पड़ता, कोई शिवलोक कैलाश के पीछे क्यों नहीं पड़ता, जिसे देखो देवराज जी आपके पीछे पड़े हुए। देव ऋषि, बैकुंठ में जल और कैलाश में बर्फ के अतिरिक्त तो है भी क्या, अमरता का वास्तविक आनंद तो मेरे ही स्वर्गलोक में है। सत्य है देवराज, तभी तो वो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। कौन है ये तपस्वी? है नहीं देवराज, है दो हैं। दो? हाँ, नर और नारायण। ये नर और नारायण कौन है देवऋषि? साधारण तपस्वी है, अपने आप को धर्म की संतान कहते हैं। मैंने उन्हें तप करने से रोका, उन्हें समझाया भी, परंतु वो मानते ही नहीं थे। अंत में मुझे उन्हें यह तक कहना पड़ा कि इंद्र के शक्ति के सामने आप किस खेत की मूली है। देव ऋषि, ये मूली क्या है? पृथ्वी पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के काम आते हैं, किंतु आप मूली की चिंता छोड़िए और नर नारायण की सोचिए। यदि उन्हें अभी नहीं रोका गया तो आपका इस सिंहासन इसी तरह हिलता डुलता उनकी ओर लुढ़क जाएगा। नहीं देव ऋषि, नहीं, मैं इसी समय वहां जाता हूं और कोई साधारण सी सिद्धि का वरदान देकर उनकी तपस्या को रोकता हूं। फिर तो देवराज, शुभस्य शीघ्रम, नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो। धर्मनंदन, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ, वर मांगो। मैं देवराज इंद्र तुम दोनों की हर अभिलाषा पूरी करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नरनारायण, युवक हो, ध्यान तोड़ो और मुझसे मन चाहा वर प्राप्त करके सांसारिक सुखों का आनंद लो। जिनका जाप कर रहे हो उन्हें प्रसन्न करने में तो शताब्दियां बीत जाती है नारायण। ओम नमो। मानव होकर, साधारण मानव होकर इतना अभिमान, तुम दोनों ने देवराज इंद्र को अपमानित करने की भयंकर भूल की है। देखता हूं तपोबल या देव बल किसमें अधिक शक्ति है। ओम नमो। कामदेव, रंभा, दरुत्मा, पुष्पंदा, ओम नमो भगवते। इन साधारण तपस्वियों का अभिमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है कामदेव। ओम नमो। आज तुम्हारे रूप और कुशलता की परीक्षा है रंभा। ओम नमो भगवते। इन दोनों अभिमानियों का मस्तक मैं तुम्हारे चरणों पर देखना चाहता हूँ। काम के वान और रंभा के स्पर्श का चमत्कार तो आप कितनी बार देख चुके हैं देवराज। कार्य आरम्भ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है देवियों, काम ने अपना काम कर दिखाया, अब आप जाने और आपका काम। तुम तो मानवी नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे स्पर्श में भी खोट है। ये सारा वातावरण फूलों और उनकी सुगंध से महक रहा है, ये किसकी माया है? मैं रंभा हूँ, मैं तिलो
नरोत्तमा हूँ। क्षमा मुनिवर, क्षमा मुनिवर। स्वर्ग छोड़कर तुम दोनों देवियाँ हमारे बद्रिकाश्रम में क्या कर रही हो? इस छल का कारण? राता नारायण शांत हो जाओ, इस छल का सूत्रधार तो कोई और है, ये देवियाँ तो सूत्रधार के हाथ की कठपुतलियाँ हैं। नर कौन है वो? वही जिसे हमेशा अपने सिंहासन की चिंता लगी रहती है, देवताओं की संस्कृति का रक्षक महान इंद्र। यदि इस इंद्र को रोका नहीं गया तो वो उसी तरह हमारी तपस्या में व्यक्त जाता रहेगा। हाँ भ्राता, इस समय भी वो इंद्रासन पर बैठा हुआ इन सुंदर अप्सराओं के स्पर्श का चमत्कार देखने की प्रतीक्षा कर रहा है। सुंदर? ये सुंदर अप्सराएं हैं? देवराज मनारायण, तुम्हें आज्ञा देता हूँ इसी समय मेरे सामने प्रकट हो जाइए। मुनीवर, मुनीवर मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे। भूल? निश्चय ही तुमसे भयंकर भूल हुई है। तुम्हें अपनी इन अप्सराओं पर बड़ा घमंड है ना? तुम्हें इनकी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है। बुला लो स्वर्ग से अपनी समस्त सुंदर स्त्रियों को। मुनीवर, स्वर्ग की श्रेष्ठ सुंदर अप्सराएं यही हैं। तो ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ सौंदर्य क्या होता है। जिसे देखकर वाणी भी मूक हो जाए, उस रूप के दर्शन आज मैं तुझे कराता हूं। ध्यान बल, योग बल, तपोबल, आत्मबल द्वारा संचित पुण्य के आधार पर हे पूर्ण ब्रह्म, हे परम सत्य वासुदेव, इस देवराज का मिथ्याभिमान आप तोड़ें। श्रेष्ठ, आप मेरे जनक हैं, मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं? देवराज देख इसे, देख और बता, क्या तेरी अलकापुरी में इससे भी अधिक सुंदर कोई स्त्री है? क्या तू अब भी हमारा ध्यान भंग करने की धृष्टता करेगा? तपोबल देवबल से बड़ा है, मैं आपके तपोबल के समक्ष नतमस्तक हूं। मुनिवर, मैंने आपकी तपस्या भंग करने की धृष्टता की है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुनिवर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी तपस्या से भयभीत था। देवराज, हमें नहीं चाहिए आपका इंद्रासन, सृष्टि में तपस्या का आदर्श स्थापित करने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। मुनिवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारे जन्म का मूल कारण तो देवराज इंद्र हैं, इसीलिए मैं तुम्हें देवराज को सौंपता हूँ। देवराज, ये कन्या इस सृष्टि की अद्वितीय सुंदरी है, ये सर्वगुण संपन्न कन्या आज से उर्वशी कहलाएगी और तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। और कृषि उर्वशी स्वर्ग की नहीं, दानव लोक की शोभा बढ़ाएगी। हम दानव है, हम माया भी है, छल और बल हमारी संस्कृति है, हम मांगते नहीं छीनते हैं। अचानक क्यों सृष्टि की हर सुंदर वस्तु उन आलसी देवताओं के झोली में चली जाती है? इस बार केशी नहीं चुकेगा, मैं इंद्र को अधिक दिनों तक उर्वशी के रूप सुधा का पाठ नहीं करने दूंगा। जिस दिन अवसर मिला मैं उर्वशी को उठा लाऊंगा। नारायण नारायण, दानवराज केशी आज किस अनर्थ का शुभारंभ करने जा रहे हैं?
आइए मुनि श्रेष्ठ नारद, आइए। अब आपसे क्या छिपाना? नारायण ऋषि ने महा सुंदरी उर्वशी को इंद्र को सौंप कर जो फूल की है, उस फूल को उसके अपहरण की योजना बनाकर मैं सुधारना चाहता हूँ। नारायण नारायण, दानवराज केशी को ये कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नारद मुनि? दानवराज केशी, आप स्वर्ग के नियमों से परिचित ही हूँ। देवी उर्वशी एक मानवी है और स्वर्ग के नियम अनुसार कोई भी मानवी जीते जी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु इंद्र तो उर्वशी को वही ले गया है। ये तो उर्वशी का आकर्षण है जिसके कारण स्वयं देवराज अपने नियम भूल गए। आप तो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कीजिए जब उर्वशी को उल्टे पैरों धरती पर आना पड़ेगा। नरक मुनि, जहां आपने उर्वशी अपहरण का इतना सरल उपाय बता दिया है, वह एक कृपा और भी कर दीजिए। वो भी कह दीजिए, मैं कृपा करने में कभी नहीं चूकता। जैसे उर्वशी के स्वर्ग से निकलने का समाचार मिले, आप मुझे सूचित कर दीजिए। अवश्य अवश्य दानवराज केशी, आपके कल्याणार्थ मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। नारायण नारायण। मैं मानता हूँ कि मैं नियम भंग करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि उर्वशी का जन्मदाता एक मानव है और वो स्वयं एक मानवी, किंतु उर्वशी के सारे गुण देवी हैं। उन्हें स्वीकार करके देव संस्कृति को अधिक शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दीजिए। एक बार कोई भी निर्णय करने से पहले समस्त देवगण उर्वशी को देख ले। वासुदेव, उर्वशी को देखकर तो सबकी टकटकी बन गई। आपके सिवा इस समय सारे देवगण उधर ही देख रहे हैं। महादेवी, देवराज इंद्र भी उर्वशी के आकर्षण पाश में बंधे हुए हैं। और आप? मैं ठहरा बैकुंठवासी, मैं तो आपके ही अनेक रूपों में रमा रहता हूं। हे देवगण, आप सब देवी उर्वशी के रूप के दर्शन कर चुके हैं, मुझे आपके निर्णय की प्रतीक्षा है। हे वरुण देव, आज की सभा आपकी अध्यक्षता में हो रही है, नियम के अनुसार आपका निर्णय सबको स्वीकार होगा। देवराज, हमें आपकी योग्यता पर कभी भी किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं हुई। आपका आज का निर्णय उचित है, देवताओं के हित में है, किंतु मानवीय होने के नाते देवी उर्वशी को यमपाश से अर्थात उन्हें धरती पर होने वाली मृत्यु से मुक्त करने का अधिकार केवल भगवान विष्णु को है। हे देवश्रेष्ठ, अब तो सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। समस्त देवगण जिस बात को स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं देवराज जिस बात का विशेष आग्रह कर रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। जहां सबका मत है वहीं मेरा मत है। देवी, मैं देवराज इंद्र आपको स्वर्ग की प्रधान अप्सरा के पद पर नियुक्त करता हूं।